इधर अयोध्या में विराजे श्री राम, उधर अमेरिका पहुंच गए भक्त हनुमान। सनातन की ताकत देखकर पूरी दुनिया घबराई। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब अमेरिका में बनेगा विशाल बजरंगबली का मंदिर। क्या भारत बनने जा रहा है विश्वगुरु? अमेरिका में बजरंगबली ने दिखाया ऐसा चमत्कार, पूरी दुनिया बोली जय श्री राम। राष्ट्रपति बाइडेन भी बन गए राम भक्त। राम लला के अपने महल में विराजते ही भक्त हनुमान अमेरिका पहुंच गए। कई सौ सालों से बजरंगबली अयोध्या में राम मंदिर बनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब राम मंदिर बनते ही हनुमान जी अमेरिका में प्रकट हो गए। सनातन की ताकत को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है वो भी 100%। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने के बाद अब अमेरिका में बजरंग बली का विशाल मंदिर बनने जा रहा है। अमेरिका में बजरंग बली के आते ही पूरे अमेरिका में जश्न है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बहुत खुश हैं। तो क्या अयोध्या में भगवान राम के आते ही चमत्कार होने लगा है? तो क्या पूरी दुनिया में अब राम राज्य आने वाला है और भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है? आप सोचिए कि जिस भारत में भगवान राम का जन्म हुआ वहां 500 सालों से मंदिर नहीं बनने दिया गया था, लेकिन अब अमेरिका में अयोध्या की तरह ही बजरंग बली का मंदिर बनेगा। ये तस्वीर पूरी दुनिया कभी नहीं भूल सकती है। 1990 में जब मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में कर्फ्यू लगाया था, कार सेवकों को रोक दिया गया था, उस दौरान ये बंदर बाबरी मस्जिद के गुंबद पर भगवा झंडा पकड़कर बैठा था। ये तस्वीर आज भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। कार सेवकों का विश्वास था कि वो बंदर नहीं बल्कि खुद बजरंग बली थे, जिन्होंने कार सेवकों के साथ आकर उस लड़ाई में हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, जब पहली बार फैजाबाद की जिला अदालत ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया था, फैसला सुनाने वाले जज साहब ने बाद में खुलासा किया था कि फैसला देने से पहले उनकी कोर्ट में और फिर उनके घर में भी एक बंदर पहुंचा था। कुछ लोग इन बातों को झूठा बता सकते हैं, लेकिन इस तस्वीर को कोई भी झूठा नहीं बता सकता है, जो आज भी आपको सोशल मीडिया पर जरूर मिल जाएगी। कहते उस दिन ये बंदर मस्जिद के गुम्बद पर कई घंटों तक भूखा प्यासा भगवा झंडा लेकर बैठा था। कई दशकों के बाद भगवान रामलला टेंट से निकलकर अपने इस महल में विराजमान हो गए। तो इधर अमेरिका में बजरंग बली का विशाल मंदिर अब बनने जा रहा है। अमेरिका के न्यू जर्सी के ओम श्री साई बालाजी मंदिर में हनुमान जी की इस विशाल मूर्ति को रखा गया है। हनुमान की मूर्ति 15 टन की है और ये अमेरिका की सबसे बड़ी इंडोर मूर्ति है। ये हर हिंदुस्तानी के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। ओम श्री साई बालाजी मंदिर के चेयरमैन ने कहा है कि मोनरो के इतिहास में बहुत यादगार ये दिन है। ये 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा है। राम जी अयोध्या में आए हैं तो यहाँ हनुमान जी भारत से आए। हनुमान मंदिर इस साल के आखिरी तक बनकर अमेरिका में तैयार हो जाएगा। अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस दौरान कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग अमेरिका में भी की गई। अमेरिका में भारतीय समुदाय के हजारों लोग उमड़े। अमेरिका में भी रामलला की रैलियां निकाली गईं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 250 से ज्यादा काफिले राम भक्तों के अमेरिका में निकाले गए। मतलब जैसा नजारा भारत में था वैसा ही कुछ नजारा अमेरिका में भी देखने को मिला। अब जब अमेरिका में बजरंग बली की विशाल मूर्ति विराजमान होगी तो पूरी दुनिया में सनातन की ताकत बढ़ेगी। सोचिए कि जिस भारत में भगवान राम का जन्म हुआ वहां राम मंदिर बनाने में 500 साल लग गए, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में बजरंग बली की विशाल मूर्ति वाला विशाल मंदिर बनेगा। अमेरिका में बजरंग बली का विशाल मंदिर इस बात का भी इशारा है कि भारत अब विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। सनातन का विरोध करने वाले इस खबर को सुनकर सदमे में आ गए हैं, क्योंकि अब काल चक्र बदल गया है। अमेरिका में बन रहे विशाल हनुमान मंदिर की खबर से हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। वैसे इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।